इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ हो और किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें इम्पल्स निकालना हो। बेटा ये कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी काम आता है, ये कंसेप्ट कोलिजन वाले चैप्टर में भी काम आता है। शुरू करें, लेट्स बिगिन। सपोज हमारे पास ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ हो, एक्स टी ग्राफ हो, और किसी ऐसे पार्टिकल का है जिसका मास है 2 kg, और हमसे कहा जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर इम्पल्स निकालने को, फॉर एग्जांपल 2। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम। यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एक्स टी ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, लीनियर इम्पल्स। और यही चीज़ जब यही कंसेप्ट एज इट इज जब चला जाता है रोटेशनल में तो वो कहलाता है एंगुलर इम्पल्स। कंसेप्ट सेम होता है, बस थोड़े वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, वहाँ एंगल आ जाएगा एंड सो ऑन। तो काम सेम होगा। पहले तो हम समझ लेते हैं इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम में से आप इनिशियल मोमेंटम को सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो ये इम्पल्स कहलाता है, लेट अस कॉल इट जे। अच्छा, अब हमें सपोज निकालना है टी स्क्वल टू 2 पर। चलो इस वाले पॉइंट पर निकालना है टी स्क्वल टू 2 पर। करते क्या है, टी स्क्वल टू 2 पर सपोज हमें इम्पल्स निकालना है। 2 से जस्ट पहले की वेलोसिटी देखते हैं, 2 के जस्ट बाद की वेलोसिटी देखते हैं। कैसे देखते हैं, स्लोप से। अगर हम टाइम की वैल्यू 2 पर देखें तो इसके जस्ट पहले तो ये एक्स टी ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप बेटा उसको देखिए, अगर वो 0 दे रहा हो, थीटा 0 हो, टेन 0 0, इसका मतलब स्लोप 0, इसका मतलब वेलोसिटी 0। तो 2 के जस्ट पहले वेलोसिटी 0 है, 2 के जस्ट बाद लेट अस कॉल इट v2। ये कैसे निकलेगा, हमें इस लाइन का स्लोप लेना है, एक्स टी ग्राफ है, स्लोप लेना है। स्लोप के लिए वैसे तो हमें ये एंगल लेना चाहिए, ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर हम इस एंगल को निकाल लें और उसमें माइनस साइन लगा दें तो भी हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2 के जस्ट बाद, मतलब 2 के जस्ट पहले की वेलोसिटी तो 0 आ चुकी है। 2 के जस्ट बाद की वेलोसिटी निकालनी है तो ये एंगल ना लेके हम इस एंगल को ले लें और फिर उसमें माइनस साइन लगा दें। तो ये एंगल यानी टेन थीटा, ये होगा कितने का, ये है 10, ये है 2। तो इसका मतलब माइनस साइन 10 बाय 2। बेटा ये माइनस साइन कहाँ से आ गया अचानक, हमें तो एंगल ये लेना चाहिए था लेकिन हमने ये लिया है और इसके बाद माइनस साइन लगा दिया, बिकॉज टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, इस लॉजिक से। तो अपने पास वेलोसिटी आ गई -5, ये अंडरस्टूड है बेटा मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हमें इस पॉइंट पर इम्पल्स निकालना है बेटा, ये हम वेक्टर को लेके चल रहे हैं तभी हम लोगों ने इसको माइनस लिखा है इसको यहाँ पे। तो मास कितने का है, 2 kg का है। v2 माइनस v1 कर दो, फाइनल वेलोसिटी -5, इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका मतलब अपने पास लीनियर मोमेंटम का चेंज टी इक्वल टू 2 पर -10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का है। ठीक है, मतलब करते क्या है, उस टाइम पर उसके जस्ट पहले की वेलोसिटी देखते हैं, उसके जस्ट बाद की वेलोसिटी देखते हैं, और फिर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको मिल गया मोमेंटम का चेंज। अंडरस्टूड है, इम्पल्स का भी वही वो होगी, यूनिट होगी जो जो मोमेंटम की होती है। अब एक काम करो बेटा, हम लोग इसी को निकालेंगे टी स्क्वल टू 6 पर। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार अपने आप निकालने की कोशिश करो और उसके बाद फिर इस वीडियो सॉल्यूशन को देखो इसके आगे। टी स्क्वल टू सिक्स यानी ये वाला पॉइंट। अब इससे पहले ये लाइन है 6 के जस्ट पहले, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है 6 के जस्ट पहले कितने की वेलोसिटी है। हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, फिर वही बात है कि हमें तो ये पूरा एंगल निकालना चाहिए। तो हम अगर ये एंगल निकाल लें ये वाला और उसमें माइनस साइन लगा दें तो काम चल जाएगा। और ये एंगल अगर ध्यान से देखो आप तो इस एंगल के बराबर है। फिर समझो, टी इक्वल टू 6 पर ये एंगल हमें लेना चाहिए स्लोप के लिए। हम अगर इस एंगल को लेके माइनस साइन लगा दें तो काम चल जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, बस ये ध्यान रखना है कि स्लोप निगेटिव लेना है तो माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। अब ये है अपना परपेंडिकुलर 8 और नीचे बेस है 4 और 6 के बीच का गैप, दैट इज 2, तो ये आ गया -4। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब आप स्लोप का कंसेप्ट चला रहे हो तो इस 8 को ये सोच के -8 मत ले लेना कि ये नीचे था। ठीक है, जब स्लोप का कंसेप्ट चलेगा तो उसका प्लस माइनस अपने एंगल से डिसाइड होगा। तो ये आ गया अपने पास में। ठीक, हमें ये एंगल लेना चाहिए था
क्योंकि वो स्लोप नेगेटिव है, लेकिन अब इस एंगल को लेके माइनस साइन लगा दें, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये आ गया अपने पास में 8, ये आ गया 2 माइनस 4। अब V2 बेटा, आप लोगों को वैसे वीडियो पॉज करके बेटा पहले एक बार अपने आप निकाल के देखो, उसके बाद आंसर को चेक करो। V2, अब इस लाइन की बात आ गई, मतलब 6 के जस्ट बाद की, तो इस लाइन का स्लोप लेना है तो ये एंगल लेना है, पॉजिटिव है, ये एंगल लें चाहे हम कह लें ये एंगल लें, बात बराबर है। तो ये एंगल होगा कितने का, 8/6 और 10 के बीच का गैप, दैट इज 4, तो ये आ गया 2। ठीक है, यानी टी इक्वल टू 6 के जस्ट पहले ये था वेलोसिटी -4। कैसे -4 आई, परपेंडिकुलर बाय बेस आपने चलाया, परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 का है, बेस यहाँ पे 2 का है, तो -4। और इसके जस्ट बाद आपने देखा तो स्लोप पॉजिटिव है, ये एंगल लेना था, यही कह लें ये एंगल लेना था, तो परपेंडिकुलर बाय बेस चलाया तो 8/4 दैट इज 2। अब इसमें कुछ नहीं बचा इस पॉइंट पर, यानी इस जगह पर अगर आप इम्पल्स को डिफाइन कर रहे हो, चलो यहाँ लिख लेते हैं, इम्पल्स को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो मास है 2 kg का, फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी -4, तो -4 हो गया ये प्लस, तो 6 × 2 दैट इज 12 kg/s। ये अपने पास t=6 पर इम्पल्स आ गया, या कह लो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है, अब आपको करना क्या चाहिए, इस कंसेप्ट पर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करो। इसके क्वेश्चंस आपको न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में मिलेंगे और जो कोलिजन वाला चैप्टर होता है उस पर मिलेंगे। बच्चों इस चैनल पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसको आप सर्च करो, तो उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स के, और उस पर लगातार कंसेप्ट उसमें लोड हो भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपने फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। उसमें आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी भी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं फिजिक्स का फ्रीली। आपने जो चैप्टर पढ़ लिया अपनी कोचिंग में उसका टेस्ट वहाँ पर ढूंढ लो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑक्सीलेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप उसका टेस्ट देकर उसका एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है या आप अपने चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपने कोचिंग से आगे चलना चाहते हो, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है। जब आप उसमें स्टोर सेक्शन में जाओगे तो उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, लीनियर मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन है, न्यूटन्स लॉ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, बहुत सारे। तो आप अपने जो आपको जिस चैप्टर की ज़रूरत है उसे परचेज कर सकते हो, नॉमिनल कॉस्ट 200, 300, 400 इस रेंज में, और उसमें बिल्कुल प्लांट स्ट्रक्चर में, बिल्कुल प्लांट वे में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, असाइनमेंट शीट के भी, SEV बुक के भी, और उसमें टेस्ट भी है बिल्कुल प्लांट वे में, कि आपने ये 2-3 लेक्चर पढ़ लिए तो अब इसके बाद ये क्वेश्चंस कर लीजिए, अब आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि अगर आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और वही कंसेप्ट जब फिर आगे यूज़ होगा कहीं और तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो कुछ नया लग रहा है, जबकि कुछ नया नहीं होगा क्योंकि आपने पिछले की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, इसलिए आपको ये नया लग रहा है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।